आज हमने ज्ञापन किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा है। आज हमने यहाँ ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है कि किसानों की बहुत सारी समस्याएं, कुटी नहीं मिला है, पट्टा नहीं मिला है, और बहुत सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं मिला है पानी। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के पठारी में नगर एवं क्षेत्र में गरीब मजदूर किसानों की समस्याओं को लेकर आज पठारी तहसील में जिला पंचायत सदस्य सुभाषिनी बोहत एवं सुभाष बोहत ने तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जो योजनाएं संचालित कर रही है वह योजनाएं गरीब जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। जनता का हक जनता को नहीं मिल पा रहा है। पठारी में भीषण जल संकट है लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिन गरीबों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना कुटीर की लिस्ट में है उन्हें कुटीर मुहैया नहीं कराई जा रही है। भाजपा की सरकार अपने नेता एवं पार्टी के कार्यकर्ता को अधिक तवज्जो दे रही है जबकि आम जनता बीजेपी सरकार से परेशान है। सुभाषिनी बोहत ने कहा कि यदि पठारी क्षेत्र के समस्याओं का शीघ्र हल नहीं किया गया और टैंकर से संपूर्ण पठारी क्षेत्र में पानी वितरण का काम शासन ने नहीं संभाला तो उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुटीर योजना में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। पार्टी अपने कार्यकर्ता को वलायस कर रही है, डरा धमका कर कुटीर देने के नाम पर कांग्रेस के खिलाफ वातावरण बना रही है जबकि उक्त योजना 2011 के सर्वे अनुसार की जा रही है जब कांग्रेस की सरकार थी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आशीष सहेले, युवक कांग्रेस अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, अमन कटिहार, अन्य साथी गण उपस्थित थे। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं बिरसा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। आज जो ज्ञापन सौंपा है वो किस संबंध में सौंपा है? आज हमने ज्ञापन किसानों की समस्याओं को लेकर सौंपा है। आज हमने यहाँ ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा है कि किसानों की बहुत सारी समस्याएं, कुटी नहीं मिला है, पट्टा नहीं मिला है, और बहुत सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं मिला है। पानी जमीन के अंदर मतलब निकल ही नहीं रहा है पानी, और पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। देश किस तरफ जा रहा है? आज देश हमारा महंगाई की ओर चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है और मोदी जी हैं कि वो अपने होश में ही नहीं आ रहे हैं। चरम सीमा पर हमारी महंगाई चढ़ चुकी है। पेट्रोल डीजल के भाव चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं, नागरिक परेशान हैं, महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान हैं। गैस की टंकी, अनाज, दाल, चावल हर तरह से परेशान हैं। सबसे ज़्यादा हमारी महिलाएं और नागरिक परेशान हैं। मामा से बने बुलडोजर मामा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर मामा अपने दिमाग से कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बुलडोजर मामा सिर्फ बुलडोजर का नाम लेके कहीं भी बुलडोजर चला दे रहे हैं, ये उनका गलत कार्य कर रहे हैं। वो अपने दिमाग से निर्णय लेंगे। जैसे कि एक इंसान की गलती हर पूरे घर वालों की गलती नहीं होती है। माँ, बच्चा, भाई, बहन, इनकी गलती नहीं होती है। एक इंसान की गलती है तो उस व्यक्ति से आप बात करें, उसको सजा दें। पूरे घर की सजा इसमें नहीं होती है। बुलडोजर मामा से हमारी ये प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि आप अपने दिमाग से निर्णय लीजिए। जैसा कि कानून की जगह बुलडोजर न्याय करेगा, कानून का राज है देश में, कानून की बजाय बुलडोजर न्याय कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? कानूनी न्याय करेगा। अब देखिए, कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है लेकिन उन्हें कानून है तो वो कानून अपनी आंखों से देख सकता है, वो देखेगा।